हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। मेरे पास बीसियों लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़ेहनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, दो का खाना तीन भी तो खा ही सकते हैं ना, तीन का खाना चार भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा जरा ज्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। एक बच्चा आ गया, यतीम बच्चा, उसने आके अर्ज की, हुजूर तीन घर में अफराद हैं, मैं, मेरी बहन और मेरी बेवा माँ, वालिद हुजूर चले गए और आज ना तीन दिन हो गए रोटी कोई नहीं खाई। मैं उस मंजर को भी जानता हूं कि जब यतीम घर में इकट्ठे बैठे होते हैं और पता होता है उनको कि हमारी अम्मा के पास आज पैसे कोई नहीं और घर में रोटी भी कोई नहीं, तो फिर उनको भूख ही नहीं लगती। हाँ हाँ नहीं लगती। अम्मा पूछती है, पुत्र रोटी खानी है? नहीं नहीं, मैं तो सवेरे जो खाया था वो हजम ही नहीं हुआ, अम्मा जी शाही कोई नहीं। ये पर्दे इस तरह करके बचाए जाते हैं, एक दूसरे को तसल्लियाँ देना, एक दूसरे से प्यार का बढ़ जाना, एक दूसरे के लिए जज्बात और तरह के बन जाना, हिकमत इलाही के तकाजे होते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेवा माँ है, यतीम बहन है, तीन दिन से खाया कुछ नहीं, कुर्बान जाए वो घर जहां से कायनात खाती है सारी। हुजूर ने फरमाया, बिलाल जा ना जा के सारी अजवाज मुतहरात से पूछ घर में क्या है। हजरत बिलाल कहते हैं, मैं सारे घर ही पूछ आया, टटोल आया, टोटल 21 खजूरें निकली। ये दो जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, हुजूर के सारे घर को मैं ढूंढ, 21 खजूरें निकली तो ला के मैंने पेश कर दी, तो हुजूर ने डायरेक्ट उसको नहीं दी, नबी पाक ने अपने हाथ पे रख ली। और कहते हैं फिर हुजूर ने ना अपना मुंह मुबारक करीब किया खजूरों के। सहाबा खुद फरमाते हैं कि ये जो हुजूर ने मुंह मुबारक करीब किया ना, तो नबी पाक बरकत की दुआ कर रहे थे। 21 खजूरों पर बरकत की दुआ हुई। हुजूर ने उस बच्चे को बुलाया, थपकी दी, फरमाया ले जा सात तेरी बहन की। इन्हें मामूली ना समझना, हो तो हजरत बिलाल कहते हैं, हुजूर तीन भी दे देना कभी तो 30-30 साल खत्म ही नहीं होती। 30-30 साल गुजर जाते हैं, निकालते रहो, खाते रहो, खत्म ही नहीं होती। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया सात तेरी बहन की, सात तेरी वालदा की, और साथ हुजूर ने और भी तलकीन फरमाई, फरमाया एक सवेरे खाया करना, एक शाम को खाया करना, कि ले जा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी कहते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चा लेके जब बाहर निकला तो हजरत सैयदना माज इब्ने जबल दौड़ के गए और जाके बच्चे के सर पे शफकत से हाथ फेरा, कहा फिक्र ना करना, रब करीम तुझे बेहतरीन सरपरस्त अता करेगा, पुत्र परेशान ना होना, अल्लाह तेरी मदद करेगा। सिर्फ हौसला दिया, सर पे दस्त शफकत फेरा, बच्चा चला गया। तो हुजूर ने फरमाया, माँ इधर आओ ना जरा, यार रसूलल्लाह हुक्म हो। फरमाया किस चीज ने तुम्हें उठाया बच्चे के सर पे हाथ रखने के लिए, किसने तुम्हें कहा, किस चीज ने तुम्हें उठाया जो तुम बच्चे तक पहुंच गए? अर्ज की, या रसूलल्लाह वो जो मेरे दिल में अल्लाह ने यतीम के लिए रहमत रखी है ना, उसने मुझे उठाया था और मैंने जाके उसके सर पे दस्त शफकत फेरा। तो हुजूर फरमाने लगे, सुन फिर, जो किसी यतीम के सर पे खाली हाथ भी फेर दे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे ना, रब उतनी खताएं माफ करेगा, उतनी नेकियां देगा, उतने दर्जे उसके बुलंद कर देगा। खाली दस्ते शफकत ही फेर दे, देना दिलाना तो बाद की बात है, उसका ख्याल रखना। तो ये जो हमारे मदारस है ना, में अक्सर बच्चे गरीब होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तगड़े घरों के भी होते हैं, मालदार घरों के भी होते हैं। इसमें अगर कोई ऐसा बच्चा आ भी जाता है ना जो यतीम है, कमजोर है, तो अपने आप को महसूस नहीं करता कमजोर, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि मैं यतीम खाने में आया हूं। उसके जेहन में माइंड सेट ये होता है कि मैं मदरसे में आया हूं और मैं पढ़ने के लिए आया हूं। और चूंकि वो कुछ वजादार बच्चे, मालदार बच्चों के साथ वक्त गुजारता है, उसी दस्तरखान पे बैठ के खाता है,
उसी क्लास में सबके साथ बैठ के पढ़ता है तो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होने की बजाय ताकत पकड़ती। वो बराबरी की सतह पे जब आता है तो उसे महसूस होता है कि मुझे इज्जत दी जा रही। इसलिए मदारस इस्लामिया मेरी नजर सबसे मजबूत जगह है जहां मसाकीन की, यतीमों की, गरीबों की सही मानों में किफालत भी होती है, तालीम भी होती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से जब किसी ने पूछा था कि बड़ा आलिम कौन होता है, तो आप फरमाने लगे जो रब से ज्यादा डरे वो बड़ा आलिम है। और दलील उन्होंने ये दी कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इन्नमा यक्षल्लाह मिन इबादहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम हैं वो रब से डरते हैं। तो दीनी तालीम, उसकी मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, सही करें। कुरान मजीद की एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा जो मैंने तिलावत किया, उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया अपने महबूब से, कहा वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आप मेरी बारगाह में ये दुआ मांगें, आप ये अर्ज करें कि ए रब मेरे इल्म में इजाफा कर दे, ए मालिक मेरे इल्म में इजाफा कर दे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी ज्यादती ठीक नहीं होती, वो ज्यादा हो जाए तो नुकसान करती है। लेकिन इल्म एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में रब करीम ने कहा कि महबूब आप दुआ मांगें कि आपको ज्यादा इल्म दिया जाए। और फिर इल्म एक ऐसी चीज है कि कोई भी आदमी ये दावा ना करे कि मैंने अब बड़ा हासिल कर लिया है, मेरी अब तकमील हो गई है, मैं अब मुकम्मल हो गया हूं। जिनको अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां दी हैं ना, उनसे भी रब करीम ने कहा है कि महबूब आप दुआ करें कि मालिक मेरे इल्म में इजाफा कर दे। तो जब वहां तक ये बात है तो फिर आम आदमी को भी चाहिए कि वो अपनी मालूमात में इजाफे का शौक पैदा करे। और तीसरी बात ये कि जो हुजूर के इल्म शरीफ पर बात करते हैं वो भी इस आयत से सीखें कि हुजूर का इल्म तो हर रोज रब उसमें इजाफा फरमा रहा है, तो हर रोज इजाफा हो रहा है। वलल आखिरतु खैरुल्लका मिनल उला, हर रोज तरक्की हो रही है हुजूर के इल्म शरीफ की भी। तो हमारे यहां ज्यादातर लोग बात इसलिए सीखते हैं कि मैं कोई कहीं से मसला सीखूंगा फिर जाके अपनी मस्जिद के इमाम को तंग करूंगा, तो वहां तो मैं ये सुन के आया हूं तो यहां ये काम क्यों नहीं होता। मैं कोई बात सीखूंगा तो फिर मैं उससे बहस का दरवाजा खोलूंगा। इल्म का मतलब ही अपने आप को संवारना है। मालूमात हासिल करने का मतलब ये कि आपके अमल में पुख्तगी आए, आपके किरदार में पुख्तगी आए, आपने जो सीखा है आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूं जो इल्म तो हो पर नफे वाला ना हो। जिस बंदे के इल्म ने उसे नफा नहीं दिया, वो कुछ सीख नहीं सका उससे, तो उसका इल्म किसी को क्या नफा देगा। जब खुद से उसने, और सूफिया किराम तो फरमाते हैं कि जो लोग बड़ी मालूमात हासिल कर लें, बड़ी बातें सीख लें, पंचायत में किसी को बोलने ना दें, घर में किसी को बोलने ना दें, बहुत सारे लोग तो उलमा को भी मशवरा देते हैं बड़ी बातें करें लेकिन अमल के लिहाज से बंदा जीरो हो, तो अहले दिल फरमाते हैं उसकी सोबत से बचो। उसे बड़ा पता है, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें करता है, लेकिन गुफ्तगू की हद तक तो बहुत बड़ा है, अमल के मामले में सिफर है। बहुत सारे लोग मस्जिद के उजरे में मीटिंग हो रही होती है और वो लंबी लंबी दलीलें और मशवरे दे रहे होते हैं, नमाज का टाइम आ जाए तो उठ के चले जाते हैं, कहते हैं मैं अपने मोहल्ले की मस्जिदें पढ़नी हूं, कईयों को काम याद आ जाता है। फरमाया कि शख्स के पास मालूमात बड़ी हो लेकिन अमल के मामले में बंदा जीरो हो तो उसे बचना क्यों, इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा आदमी बेअमल हो ना तो वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें पेश करता है। वो कहते हैं मैं ये काम नहीं करता तो ये मेरे पास दलील है, वो तो बेअमली को भी मुदज्जन कर देगा माज़ा। तो दीनी तालीम एक तो हासिल इसलिए करें कि हमने अपने आप को संवारना है, और दूसरा इल्म का शौक तबीयत में हो। देखे ना अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے. جمعوں میں، محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں، اس لیے آئیں کہ میرے علم میں، میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی، میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا. ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں. ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق، ہمارے ہاں تیزی سے ایک حرکت کی گئی، علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا، اور اس میں بعض بیچارے وائزین اور خطباء نے بھی کردار ادا کیا، جب جعلی پیر کی تعریفیں کھول کے کی اور اسے پتہ نہیں کہاں تک. یہ اسٹیج ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی بندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، تعریفیں نہیں کرنی چاہیے. تعریفیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو، اس بندے کو تو دعا کا فائدہ ہے. اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے دعا دے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرے. اور ہمارے ہاں جناب وہ نقیب محفل بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اگر تعریفیں تھوڑی کرے تو، کہتے ہیں انہوں تو نام ہی نہیں لینا ہوں گا. وہ بھائی اس کے نام لینے سے آپ کا قد اونچا ہوتا ہے. تو علم اور عالم، ان دونوں چیزوں سے قوم کو دور کیا گیا. دینی تعلیمات کا فقدان ہے. جو میٹرک تک لوگ 60-70 کتابیں پڑھ جاتے ہیں، انہیں بھی قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا، دور کیا گیا. آپ مجھے بتائیے، چلے ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں، اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکاہ شریف کھول کے بیٹھے ہوں، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، یا بارے شریعت کھول کے بیٹھے ہیں، فقہی مسائل بیان کیے، اور اسی مسجد میں ایک بابا جی جبا پہن کے تگڑا سا، بڑی سی پگڑی باندھ کے اور 500 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں. اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا، عالم کی طرف کہ بابا جی کی طرف؟ وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح داراب داراب پڑھنا بھی عبادت ہے. اسے ہم نے بتایا نہیں کہ جب تک علم کا علم کے رستے میں رہنا بھی عبادت ہے، جب تک اسے یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جس طرح وظائف کی کتاب پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح مشکاہ شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، حدیث بخاری کا درس لینا بھی عبادت ہے، مسلم شریف کی احادیث پر اپنے اساتذہ سے بیٹھ کر دروس پانا بھی عبادت. جب تک یہ پورا مزاج، دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی ایک گھڑی بھر دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتاب پڑھ کے بھی بندہ رب رسول تک پہنچ سکتا ہے. کتاب و سنت رستہ آسان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا مزاج دیا گیا ہے؟ بابا جی کے پاس چلو، ضرور جائیں بابا جی اگر میرے کہیں تو، منع کوئی نہیں کر رہا، لیکن جو سوچ ہمیں حضور نے دی ہے ہم نے اسی سوچ کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دینا ہے نا. اب ایک بات میں نے آپ سے پوچھی اور آپ نے کہا قوم ساری بابا جی کی طرف جائے گی. حدیث پاک کس طرح ہے؟ اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے، دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں، ایک صحابی اور باقی سن رہے ہیں. خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلیں خیر کی ہیں، دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں. اور پھر حضور فرمانے لگے، مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آیا ہوں. یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی. حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی، جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی. تو جمعے میں وقت پہ آئیں، اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور